गुड मॉर्निंग छात्रों, रामराजी इंटर कॉलेज नायरपुर प्रीतमपुर अंबेडकर नगर की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। छात्रों, हम लोग विषाणु जनित रोग के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने आपको इन्फ्लुएंजा, जुकाम, डेंगू, स्वाइन फ्लू, चिकनगुनिया की चर्चा कर रहे थे, जिसमें हमने आपको बताया था इन्फ्लुएंजा कैसे फैलता है, किसके द्वारा होता है और इसके क्या लक्षण है, क्या इसके उपाय हैं। जुकाम का भी हमने बताया था आपको, इसके बाद डेंगू का भी बताया था। नेक्स्ट आपको हमें पढ़ना है डेंगू का संचरण। डेंगू के बारे में एक बार फिर से थोड़ा जान लेते हैं। डेंगू जो है, इसे हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है, या एडीज एजिप्टी के द्वारा फैलता है। एडीज एजिप्टी एक मच्छर है, मॉस्किटो है, इसके द्वारा ये फैलता है या एक वाहक के रूप में काम करता है। यह इसका जो डेंगू का वायरस है, फ्लोविन वायरस है, जिसके द्वारा यह बीमारी फैलता है, इसीलिए इसको कहा जाता है हड्डी तोड़ बुखार। यह आर्थ्रोपोड्स में मच्छरों द्वारा संचरित होता है, इसीलिए इसे आर्बो वायरस कहा जाता है। अब इसका संचरण कैसे, तो ट्रांसमिशन, जैसा हमने बताया कि मॉस्किटो मच्छर ही इसका जो है संचरण करता है, तो मच्छर में भी कई, मॉस्किटो में भी कई प्रजाति पाई जाती है। मादा की एडीज एजिप्टी जो मच्छर है, उसके काटने से यह फैलता है। इसका मनुष्य, जैसा जानते हैं आप, मच्छर का जो पोषद है वो मनुष्य पे रह करके अपना जीवन यापन करता है, उनसे रक्त पान करके अपना जीवन यापन करता रहता है। अब इसके काटने से यह मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर जाता है। प्रवेश कैसे करता है, यह जो डेंगू का वायरस है, मॉस्किटो में के अंदर किसी संक्रमित व्यक्ति के द्वारा जो है उसके शरीर के अंदर पहुंचता है। तो जब कोई संक्रमित, डेंगू से संक्रमित व्यक्ति है और क्या कहते हैं, मॉस्किटो ने उसको बाइट किया है, उसको काट लिया है, तो वह उसके खून के द्वारा उसके शरीर में प्रवेश कर जाता है और पुनः लार के द्वारा किसी असंक्रमित व्यक्ति में यह पहुँच जाता है, जिससे जो है उसे भी डेंगू होने के चांसेस रहते हैं। कह सकते हैं डेंगू का जो विषाणु है वह रुधिराधान और अंगदान से भी हो सकता है और गर्भस्थ शिशु को भी हो सकता है। इसका मतलब यह है जो डेंगू का वायरस है वो रक्त के द्वारा ही एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंचता है। तो हमें मॉस्किटो के बाइट से बचना चाहिए, इसके लिए विभिन्न उपाय किए जाते हैं, उन सभी उपायों का पालन करना चाहिए, ठीक है। अब ये यहाँ पूरे डेंगू का जो डेंगू बीमारी हो, कैसे होता है, किस प्रकार का उसका उद्भव वाली बहुत पूछा जाता है, इसलिए यहाँ दिया हुआ है डेंगू। तो हमको समझ में आया डेंगू क्या है। डेंगू एक बीमारी है जो वायरस के द्वारा फैलता है। वायरस कौन सा वायरस है, फ्लोविन वायरस है, उसके द्वारा फैलता है। यह फ्लोविन वायरस जो है मॉस्किटो के बाइट से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचरित होता है। मॉस्किटो में भी कई प्रजाति होती हैं, तो मॉस्किटो की जो एडीज एजिप्टी प्रजाति होती है उसके द्वारा यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंचता है। कह सकते हैं डेंगू का जो वायरस है वह रक्त के द्वारा भी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करता है। तो यह इसके कई कारण हैं संचरण के। इसका जो उद्भव काल है, मतलब ये जो बीमारी है ये कैसे दिखाई पड़ता है, जब भी डेंगू का विषाणु हमारे शरीर में प्रवेश करेगा तो सबसे पहले हमें ज्वर होगा और ज्वर की जो बुखार है उसका टेम्परेचर बढ़ता जाता है। 4 से 7 दिन में इसका असर दिखाई पड़ने लगता है, लेकिन कभी कभी अगर व्यक्ति की इम्यूनिटी पावर अच्छी है तो 13 से 14 दिन के अंदर भी दिखाई पड़ने लगता है। तो कह सकते हैं डेंगू के शरीर में प्रवेश करने से हमें जो है फीवर होने लगता है। और डेंगू का जो लक्षण है, डेंगू अगर किसी व्यक्ति को है तो तेज सिर दर्द होगा, बुखार ज़्यादा तेज होगा, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द होगा, कमजोरी होगा, दस्त लगेगा, चक्कर आएगा, भूख नहीं लगेगा, ये सब इसके लक्षण हैं। इसके उपचार के लिए भी दिया गया है
यहाँ दिया गया पैरासीटामोल देना चाहिए। इसका अभी तक कोई प्रतिजैविक नहीं बनाया गया है, इसलिए इसे जो है इसका जो क्या कहते हैं बचाव ही सबसे बेटर उपाय है। इसलिए यह हमारे शरीर में जब रक्त में प्रवेश करता है तो आरबीसी की संख्या को घटाने लगता है, और इसके संक्रमण को रोकने के लिए इस पेशेंट को एस्प्रिन और स्टेरॉइड दवाएं दी जाती हैं, जिससे रक्त की मात्रा बढ़ने लगती है, और साथ साथ पैरासीटामोल भी दिया जाता है, एसिटामिनोफेन दिया जाता है, कोडीन दिया जाता है, ये सब दिए जाते हैं। लेकिन पर्टिकुलर डेंगू का कोई नहीं है, ये जो एस्प्रिन दिया जाता है एस्प्रिन से उसमें रक्त बढ़ने लगता है, जिससे जो डेंगू के डिजीज हैं वायरस हैं वो धीरे धीरे डेथ होने लगते हैं। तो डेंगू का ये उपाय है। नेक्स्ट जो है स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू जो है शुकर इन्फ्लुएंजा भी कहा जाता है इसे, जैसा पिग इन्फ्लुएंजा है, शुगर होना चाहिए, शुगर नहीं है, पिग इन्फ्लुएंजा कहा जाता है। स्वाइन इन्फ्लुएंजा जो है SIV, स्वाइन इन्फ्लुएंजा वायरस, ठीक है, और यह मुख्य रूप से शुगर में पिग में पाया जाता है। 2009 में इस वायरस को जो है कई नाम दिए गए हैं, H1N1, H1N2, H3N1, H3N2, H3N3, ठीक है, ये इसकी प्रजातियां हैं, और यह कुक्कुट पालन तथा सुअर पालन से भी संबंधित रखता है, यह पक्षियों मतलब कह सकते हैं मुर्गी और सुअरों से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में अधिक मात्रा में फैलता है। यह वायु से भी जो है नहीं फैलता है, यहाँ दिया हुआ है, या वायु के माध्यम से नहीं फैलता है। इसके लक्षण दिए गए हैं स्वाइन फ्लू के। स्वाइन फ्लू का लक्षण जो है इन्फ्लुएंजा तथा इन्फ्लुएंजा के समान दिखाई पड़ता है, बुखार होगा, शरीर में दर्द होगा, ठीक है, ये सारी समस्याएं होंगी इसमें, बुखार सर दर्द होता है, गले में जलन होता है, गला खराशने लगता है, नाक में बहता है, दस्त होती है, मछली आता है, ओमन आता है, उल्टी उलती है, और सांस लेने में दिक्कत आती है, तमाम तरीके की समस्याएं दिखाई दे रहे हैं। इसका बचाव का यहाँ उपाय दिया गया है, छींकते या खांसते समय अपने नाक मुंह को ढकना चाहिए, हाथ को बार बार धोना चाहिए, हाथ नाक मुंह को छूने से बचना चाहिए, अधिक भीड़ से दूर रहना चाहिए, हाथ नहीं मिलाना चाहिए, ये सारी चीज़ें एक्टिविटीज हैं। और इसका जो उपाय दिया गया है, प्रतिविषाणु की दवाइयाँ दी जाती है, जिससे उसका प्रभाव कम हो जाता है, जो प्रतिविषाणु की एक्टिविटीज है वो एंटीबॉडीज दवाएँ दी जाती हैं। इसी के संदर्भ में नेक्स्ट जो है चिकनगुनिया भी है, ठीक है, इसका भी है। छात्रों हम PDF भेज दे रहे हैं, हमने 2 PDF नहीं भेजा था, भूल गए थे, और ज़रूरत हो हम आज दोपहर के बाद भेज देंगे दोनों PDF। और होमवर्क आज हम दे रहे हैं, 2 दिन होमवर्क नहीं दिया, आज दे रहे हैं, होमवर्क करके हमारे व्हाट्सएप पे ज़रूर करेंगे, ठीक है, ओके, थैंक यू।